नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ने सीनियर रेजिडेंट के 127 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास एमबीबीएस की डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही एमएस, एमडी, डिप्लोमा, डीएनबी किसी कंसर्न फैकल्टी में डिग्री अनिवार्य कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वेब लिंक में जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। प्रदर्शनों में हंगामा करने वालों को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। विरोध प्रदर्शन में हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले अब बिहार में सरकारी नौकरी और ठेका से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। डीजीपी ने प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था बिगाड़ने व सरकारी चीजों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक आदेश जारी किया है। डीजीपी एसके सिंघल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या किसी अन्य मामलों में हंगामा हुआ और विधि व्यवस्था को नुकसान हुआ तो इन मामलों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस चार्जशीट दायर करेगी, जिसके बाद भविष्य में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इसका स्पष्ट तौर पर जिक्र किया जाएगा। ऐसा होने पर सरकारी नौकरी या ठेके नहीं मिलेंगे। आईसीटी अवार्ड के लिए बिहार के 4 शिक्षक हुए नामित। मानव संसाधन विभाग ने बिहार के 4 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवार्ड 2019 के लिए नामित किया है। इनमें से 2 शिक्षक भागलपुर के रहने वाले हैं, 1 सुपौल के और 1 दरभंगा के स्कूल में कार्यरत है। यह अवार्ड स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षा में नवाचार लाने के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके लिए 31 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि थी। केंद्रीय ज्यूरी के समक्ष 5 से 9 फरवरी तक इन नामित शिक्षकों का ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद इस अवार्ड के लिए अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। इसमें से भागलपुर निवासी शिक्षक पप्पू हरिजन राष्ट्रपति से भी सम्मानित हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर इन्होंने साल 2014 से ही शिक्षा को सुलभ बनाने के क्षेत्र में काम किया है। बिहार विधानसभा सदस्यों को विशेषाधिकार की रक्षा की होगी गारंटी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बजट सत्र के मद्देनजर 3 अलग अलग समितियों की बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार का हनन ना हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बार सदन में 104 नए सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, इसलिए कार्यपालिका को इन सदस्यों को विशेष तौर पर सहयोग करना चाहिए। प्रोटोकॉल के अनुसार उनके प्रति सौजन्यता और सम्मान प्रदर्शित किया जाना चाहिए और सदस्यों से शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। इस संबंध में अलग से मुख्य सचिव के साथ एक बैठक की जाएगी। वहीं इस बैठक के दौरान सभाध्यक्ष ने 7 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह की भी चर्चा की। राज्य के 7 स्टेट हाईवेज की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। राज्य के 7 प्रमुख सड़कों के कायाकल्प बदलने के लिए सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से सहमति बना ली है। इन सड़कों के चौड़ीकरण और जीर्णोद्धार के लिए एडीबी बिहार सरकार को पैसे देंगी। इससे पैसे लेने के मामला काफी समय से ही लंबित था। प्रस्ताव के अनुसार 14 पैकेज में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। काम शुरू होने के बाद भभुआ, सहरसा, कटिहार, गया, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों की सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक और बिहार सरकार के बीच पैसे की सहमति हो गई है। राशि देने के संबंध में 1 से 2 दिनों में पत्र जारी हो सकता है। सालों से अनुपस्थित डॉक्टरों को नीतीश सरकार ने किया बर्खास्त। राज्य कैबिनेट की बैठक में डॉक्टरों पर बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले के अनुसार 5 से लेकर 18 सालों से लगातार अनुपस्थित रहने वाले 6 चिकित्सकों को नीतीश सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। इनमें से 2 डॉक्टर बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं, वहीं शेखपुरा, लखीसराय, रोहतास और गोपालगंज के डॉक्टर के नाम शामिल है। इन सभी 6 डॉक्टरों पर अपने काम में लापरवाही बरतने का आरोप है। मुख्य सचिवालय में चली बैठक में नीतीश कैबिनेट ने इस मुद्दे के साथ 18 एजेंट पर भी अपनी मुहर लगा दी है। प्रदर्शनकारी पर शिकंजा कसने के आदेश पर विपक्ष ने चलाई जुबानी तीर। बिहार डीजीपी द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार प्रदर्शन में बवाल काटने पर अब कड़ा रुख अपनाया जाएगा। इस आदेश के बाद विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने इस आदेश को हिटलर शाही फरमान बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार अपनी तुगलकी फरमान जारी कर रही है। अब हालात ये हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो ये सरकार नौकरी नहीं देगी, ये हिटलर शाही सरकारी नौकरी भी नहीं देगी और विरोध भी प्रकट नहीं करने देगी। आखिर सरकार को किस बात का इतना डर है? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में आई गिरावट। राज्य के प्राइमरी सरकारी स्कूलों में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है। हिंदुस्तान अखबार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-15 के मुकाबले वर्ष 2018-19 में करीब 40 लाख बच्चे कम हुए हैं। इस रिपोर्ट की जानकारी बिहार और केंद्र सरकार के शिक्षा विभाग को भी है। रिपोर्ट के अनुसार जहां सरकारी स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूलों में बच्चे साल दर साल बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले
6 से 14 साल के बच्चों के लिए देश भर में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पोशाक और मध्याह्न भोजन देना अनिवार्य है। बावजूद इसके बच्चों के नामांकन में इतनी बड़ी कमी आना सरकार के लिए चिंता का विषय है। ये घटते आंकड़े बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को भी चुनौती दे रहे हैं। पंचायत चुनाव में बीडीओ को देना होगा मतदाता सूची के सही होने का सर्टिफिकेट। राज्य में आगामी पंचायत चुनाव के लिए तैयार किए गए वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर बिहार निर्वाचन आयोग ने कड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाता की अंतिम लिस्ट प्रकाशित करते समय सभी बीडीओ को लिखित तौर पर प्रमाण पत्र देना होगा कि जारी की गई वोटर लिस्ट सही है या नहीं। सही सूची जारी हो सके इसके लिए आयोग ने सभी बीडीओ को विधानसभा की मतदाता सूची में से उन लोगों के नाम भेजे हैं जिनका नाम किसी कारणवश पंचायत की मतदाता लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। बीडीओ लिस्ट में सुधार करेंगे। सुधार के बाद 19 फरवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इस एक्शन के बाद सभी बीडीओ सही मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी में लग गए हैं। राज्य में इंटर पास अविवाहित लड़कियों को मिलेंगे 25,000 रूपए। बीते दिन बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कैबिनेट ने कुल 18 एजेंडों पर अपने मुहर लगा दिए। बैठक में बिहार की बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य में इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 रूपए और स्नातक पास सभी छात्राओं को 50,000 रूपए बिहार सरकार देगी। ये राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली है। इस योजना के तहत इस वर्ष इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़की को 25,000 रूपए और स्नातक करने वाली शादीशुदा या अविवाहित लड़की को 50,000 रूपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी। भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 55 लाख के घोटाले के दोषियों की हुई पहचान। भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की 5 शाखाओं में बैंक अधिकारियों और कर्मियों ने मिलकर 55 लाख रूपए का गबन कर लिया है। इस मामले में 11 अफसर और कर्मियों के विरुद्ध FIR दर्ज करने का आदेश जिला सहकारिता पदाधिकारी ने दिया है। इन आरोपियों में कुछ अधिकारी अवकाश ग्रहण कर चुके हैं तो कुछ दूसरे शाखा में चले गए हैं। आपको बता दें कि 2007-08 में भागलपुर में सृजन कोऑपरेटिव बैंक खोला गया और 2017 में यहां सृजन घोटाले का उजागर हुआ था। विकास के नाम पर आने वाले सरकारी पैसा इस बैंक के खाते में ट्रांसफर होते थे और यह पैसा यहां से निकलकर बाजार में पहुंचाया जाता था। इस पैसे को खपाने के लिए कई एनजीओ भी बने। बताया जाता है कि इन एनजीओ के नाम पर अधिकारियों ने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला और करोड़ों रुपए का घोटाला किया। सृजन घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। बैंक के अफसरों ने घोटाले से भी सबक नहीं लिया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बैंक के अधिकारी और कर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। राजद नेता ने कैबिनेट विस्तार के साथ ही सरकार गिरने का किया दावा। सूबे में नई सरकार बनने के 2.5 महीने बीतने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है जिसे लेकर हर तरफ से सियासत गरमाई हुई है तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में लगा हुआ है। इस बीच राजद ने जदयू और भाजपा की गठबंधन वाली सरकार को लेकर नया दावा कर दिया है। ईडी प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा है कि जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा उसी दिन एनडीए की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा और जदयू में अंदरूनी कलह मंत्रियों के नामों को लेकर है। ये लोग आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने के प्रयास में है तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वापस दिल्ली जाने के पहले कहा था कि महीनों बीत जाने के बाद भी कैबिनेट विस्तार नहीं होने के कारण राज्य के कई सारे काम ठप पड़े हैं। पटना में नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल 15 दिनों में हो जाएगी शुरू। पटना के बैरिया में नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से 15 दिनों में बस सेवा का शुभारंभ हो जाएगा। इसके लिए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों एवं वाहन संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर 15 दिनों के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। अभी तक 20 बसों की व्यवस्था हो गई है। आपको बता दें कि पहले चरण में गया और जहानाबाद के लिए टर्मिनल चालू करने पर विचार किया जा रहा है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जल्द ही आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करने का निर्देश निर्माण एजेंसियों को दिया है। साथ ही शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए भी कई योजनाओं पर काम हो रहा है। पटना के बोरिंग रोड पर जाम की समस्या से निपटारा के लिए AN कॉलेज के पास यू टर्न बनाई जाएंगी। बैठक में बुडको के अधिकारी को नियमित मॉनिटरिंग कर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। किसान आंदोलन पर पॉप सिंगर के ट्वीट से खुश हुए दिलजीत दोसांझ। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में किसान आंदोलन पर CNN की एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा,
कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने रिहाना के तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाते हुए शुक्रिया किया है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अमेरिकी पॉप सिंगर के इस ट्वीट पर लिखा है कि इस पर कोई बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं। शांति से बैठो बेवकूफों, हम तुम्हारे तरह मूर्ख नहीं जो अपने देश को बेच दे। पीटरसन ने इंडिया बनाम इंग्लैंड मैच में भारत को बताया जीत का दावेदार। इंग्लैंड के लिए 9 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले केविन पीटरसन ने भारतीय टीम को लेकर दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की स्थिति बेहतर है, इसने हाल ही में श्रीलंका को हराया है, इसके बाद भी मुझे लगता है कि भारत बहुत मजबूत है और सीरीज जीतेगा। इन्होंने उम्मीद जताई है कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे भारतीय खिलाड़ी इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पीटरसन ने कहा कि इस मैच में भारत को कोहली की वापसी और घरेलू माहौल का फायदा मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में लगातार कमी होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे Facebook पेज पर इसे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।